मैं मुझे पता ही नहीं था ऐसा जेटी भी है यहाँ पे। सो देखो यहाँ myboatride.com एंड नयनतारा शिपिंग का यहाँ पे 300 रुपए ओनली पे आपको क्या है बेलापुर टू मांडवा, यहाँ से अगर आपको ट्रैवल भी करना है अलीबाग शॉर्टेस्ट टाइम में तो दिस इज द केरला हाउस बोट का आपको फीलिंग चाहिए तो केरला में ही जाना पड़ेगा आपको। बैक हार्बर क्रूज के साथ यू कैन एंजॉय द सनसेट डेली एट 6 PM। वाओ बीच है जो उसको लग जाएगा, आई थिंक ये यहाँ पे लगेगा शायद, ये यहाँ तक पानी आता है, आई एम श्योर मानसून में आता होगा। यही है आपका कैफे डिलाइट। क्रूज के कैप्टन विल बी सेलिंग द बोट फ्रॉम टाइटैनिक वाला पोस्ट के लिए। दोस्त का क्वीन साइज बेड विद सम बैकड्रॉप। सो मेन्यू में हमने वाटरमेलन मोइतो और या नॉट बैड गुड द फेमस डिप। That is just about to happen. It's nice actually. Yes. Night view badhiya lag raha hai. Humse bhi zyada excited kaun hai boat mein jane ke liye? Amma aur Golu excited hai. Kahan jana hai? Adwai kahan ja rahe hum? Boat mein ja rahe hai. Boat ka naam kya hai? अप्रीता। अम्मा बोलेगा, अम्मा को बता क्या है। मैं भी भूल गई। ये देखो जा रहे दोनों को नहीं पता। फ्लोडाइन। ओके चलो चलते चलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों, ऑन अ सैटरडे इवनिंग पोस्ट नून हम जा रहे हैं फ्लोडाइन। क्या है फ्लोडाइन बताओगी? इट इज नवी मुंबई फर्स्ट मिनी क्रूज। मिनी रिवर क्रूज नवी मुंबई का सबसे पहला। रिवर क्रूज कैसे हुआ? मिनी क्रूज कह रहे हैं, रिवर क्रूज तो होना ही नहीं चाहिए। इट्स एक्चुअली क्रीक क्रूज, बेसिकली वो क्रीक है। तो आपने रिवर क्रूज? हाँ, माने आजकल रिवर क्रूज का नाम चल रहा है, आपने सुना होगा वाराणसी से निकलता है। तो माय अपोलॉजीज, वो रिवर क्रूज नहीं है। क्रूज तो कह रहे हैं, क्रूज तो बेसिकली आपको सी या ओशन में दिखता है, बट ये क्रीक में है। तो जहाँ से कौन सा बेलापुर का जो जेटी है वाटर, हाँ जहाँ से जो वाटर टैक्सी चालू हुआ है मुंबई के साउथ मुंबई जेटी, हाँ बेलापुर जेटी से जो साउथ मुंबई जाती है वहीं पे ये भी रहेगी। वीकडेज में शायद स्टेशनरी रहती है, फ्लोडाइन नाम है इसका, और वीकेंड्स में ये एक राउंड मार के आती है। बेसिकली इसके अंदर रूम्स भी है और इसके अंदर एक कैफे भी है, कैफे रेलिश इतना बड़ा क्रूज नहीं है। आपके दिमाग में आया होगा क्रूज बोले तो यू नो कॉर्डेलिया क्रूज टाइप का है। बाय द वे उसका भी वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, हम लास्ट ईयर गए थे तो यू कैन ऑलवेज 2021 में गए थे इनफैक्ट, वो भी आप चेक कर सकते हो। किड्स में ये लोग एक घंटे का क्रूज करा के लेके आते हैं इन दी सी, आई डोंट नो क्रीक ही है बेसिकली, वो क्रीक में ही घुमा के लाएंगे। सो आई थिंक उल्वे की तरफ से शायद ऐसा घूम के आएंगे, पता नहीं अब, लेट्स फाइंड इट आउट, यू ऑल्सो फाइंड इट आउट, स्टे विद अस। ये बेलापुर का जो जेट्टी है पैसेंजर जेट्टी, ये आपका सेक्टर 15 में है। तो 5 बजे का है, तो 4:30 बजे हमको वहाँ पे बुलाया है। सो अभी ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, आई एम श्योर वील रीच बाय दैट टाइम। साथ में ये छोटू भी है अपना। सो लेट्स चेक आउट दिस क्रूज, अगर अच्छा रहा तो यू गाइज ऑल्सो गो एंड चेक इट आउट। एंड प्राइसेस आपको अभी बताऊंगा नहीं, एक्सपीरियंस देखने के बाद लास्ट में बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किप करो वीडियो, पूरा देखिए। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है, नए हैं चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, राइट। सो वहां पहुंच के आपको दिखाते हैं आप क्या है। चलो हाँ, तो हम आ गए हैं, ये है जेटी, आपको दिख रहा होगा जेटी का आउटसाइड है। फ्रेंकली मैं अभी तक देखा नहीं हूँ जेटी, ये गार्डन्स वगैरह ये सब देखा था मैं, मुझे पता ही नहीं था ऐसा जेटी भी है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे, आप पीछे दिशा देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारे यहाँ पे जेटी के टाइमिंग्स, सॉरी राइड्स के टाइमिंग लिखे हुए हैं। एंड इफ़ यू सी बोट राइड है यहाँ पे, एंड ऑल्सो इफ यू सी आर फ्लोडाइन का भी यहाँ पे मेंशन है। यू सी ये देखो, दिस इज़ दी फ्लोडाइन का बैनर, यू कैन से ये रहा। इफ़ यू सी एलिफेंटा एंड JNPT के लिए यहाँ से क्रूज़ है, हार्बर क्रूज लिखा हुआ है myboatride.com एंड नयनतारा शिपिंग का यहाँ पे 300 रुपये ओनली पे आपको क्या है बेलापुर टू मांडवा, यहाँ से अलीबाग जा सकते हो और मांडवा से
मांडवा टू बेलापुर का भी टाइमिंग लिखा हुआ है, और ये आपका बेलापुर टू JNPT। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप क्रूज़ के लिए आ सकते हो, यहाँ से अगर आपको ट्रैवल भी करना है अलीबाग शॉर्टेस्ट टाइम में, तो दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। आपको अगर मुंबई भी जाना है तो दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर, एंड ऑब्वियसली बेलापुर टू गेटवे ऑफ इंडिया भी जाता है, और यहाँ से एलिफेंटा भी है। तो ये है, हाँ देर आर वेरियस कंपनीज विच ऑफर दिस, जैसे वेलोसिटी है, स्पीड बोट है, एक फ्लेमिंगो है, एक MyBoatRide.com है, एक नयनतारा शिपिंग है। सो आई एम श्योर ये वाटरवेज वाला ऑप्शन आगे जाके बहुत ज़्यादा खुलेगा। सो दोस्तों अंदर आने के बाद ये आपका फुल पार्किंग है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर तक, अभी ज़्यादातर लोग हैं नहीं। एंड ये अलग अलग काउंटर्स है, जैसे आपको बाहर दिखाया था अलग अलग सर्विसेज के, जैसे फ्लेमिंगो है, नयनतारा है, और हमारा जो क्रूज़ है, जो क्रीक क्रूज़ है, वो है फ्लोरा, एंड वहाँ पे उसमें डायरेक्ट एंट्री है, अंदर जाके आपको पेमेंट करना है, एंड पेमेंट टर्म्स कुछ 1000 रुपीज़ है, वो आपको बताऊँगा, आई एम नॉट सो श्योर, अंदर जाके पता चलेगा। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके हिसाब से क्रूज़ अंदर जाएगी, यहाँ से थोड़ा खाड़ी के अंदर 1 घंटा ले जाएगी, अंदर सनसेट दिखाएगी और वहाँ से वापस आएगी। इन द मीन टाइम वो लोग अंदर जो आपको रेस्टोरेंट है उसमें आपको सर्व भी किया जाएगा। सो देखते हैं आगे जाके क्या फीलिंग है, क्या एक्सपीरियंस है, तो बने रहिए दोस्तों। सो दिस इज़ दी होर्डिंग ऑफ फ्लोरा, अब जैसे आपको दिखाया था पहले भी 80-100 का कैपेसिटी है, सनसेट सेलिंग होता है, किटी पार्टीज होता है, ऑल डे कैफे जो आपका वीकेंड में आता है, कॉर्पोरेट पार्टीज़, एंटायर क्रूज़ बुकिंग भी हो जाता है, एंड स्टेज लाइक केरला हाउस बोट। वाह, केरला हाउस बोट का फीलिंग, सॉरी बीइंग अ मलयाली, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल सकता दोस्तों। केरला हाउस बोट का आपको फीलिंग चाहिए तो केरला में ही जाना पड़ेगा आपको, बैक वाटर्स केरला जैसे इंडिया में और कहीं नहीं है। बेलापुर जट्टी, ये है मेन एंट्रेंस टू द जट्टी, बेसिकली दिस इज़ हाउ इट इज़, यहाँ से एंट्री के लिए रखा हुआ है जट्टी, मतलब जिनको बोट्स में एंट्री करना है वहाँ पे रखते हैं, और वहाँ पे अपना क्रूज़ आया हुआ है ऑलरेडी। दिस जेट्टी का नाम आई थिंक इज सागरमाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिज्म जेट्टी एट बेलापुर नवी मुंबई। सो ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने इसका उद्घाटन किया था 17 फरवरी 2012, ऑलमोस्ट ईयर होने आया है, एंड ये उसका फाउंडेशन स्टोन है बेसिकली। सी तो MyBoatRide.com से यू कैन बुक दीस टाइमिंग्स के आपके फेरीज टू बेलापुर से एलिफेंटा कितना है, फेयर के साथ लिखा हुआ है, JNPT के लिए कितना है, हार्बर क्रूज के साथ यू कैन एन्जॉय द सनसेट डेली एट 6 PM, वाओ, और पासेस का भी रेट मेंशन है, दोज आर रियली यू नो स्टेइंग क्लोज टू बेलापुर, और जिनको साउथ बम्बे JNPT वगैरह जाना है या एलिफेंटा जाना है तो यू कैन रेफर दीज रेट्स। आई थिंक ये वाला ब्रिज उसके ग्राउंड फ्लोर में लग जाएगा, उसके बाद में वील हॉप इन। सो कैसा लग रहा है वो देख के, कैसा लग रहा है, बड़ा सा क्रूज है, एक्सपेक्टेशन उतना रखा भी नहीं था हमने। सो छोटा सा क्रूज है, ठीक है फॉर सिटी लाइफ के लिए, क्रीक्स में से लेके जाएगा, या आई थिंक 4 रूम दिख रहे हैं, 4 खिड़कियां है तो वो रूम्स रहेंगे, एंड ऊपर इनका कैफे रेलिश है, आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर द एंटायर बोट पर से और क्रूज। सो लेट्स होप, 4:30 का टाइम दिया है, अनदर 15 मिनट्स टू गो, एंड दिस इज बेलापुर जट्टी का एरिया, मैंग्रूव है, बीच है जो उसको लग जाएगा, आई थिंक ये यहाँ पे लगेगा शायद, ये जो पॉइंट है यहाँ से एंट्री होगी, लेट्स होप जल्द से जल्द एंट्री हो जाए और आपको कुछ अंदर के नज़ारे दिखाओ। सो वी हैव बीन कॉल्ड हियर, यहाँ पे आके शायद स्मॉलर बोट से यहाँ पे इसमें क्लाइम करके जाना है, आई डोंट नो व्हाट वे, ये देखो है बोट, तो ये है बोट जो आई हुई है, हमको जाना है फ्लोरा, ये ले जाएगी हमें। सो जट्टी नंबर 2 में नहीं 1 में आ रही है, इसका मैं आपको
यहाँ से हमें लो टाइड है इसकी लेने तो सही। यहाँ पे ये आप देख सकते हो बाहर में से यहाँ तक पानी आता है। आई एम श्योर मानसून में आता होगा ये लेवल तक। ये देखो पिलर्स पे भी। तो चलते हैं इसके अंदर अभी। क्या हुआ, डरी हुई है तू? सो वी हैव गॉट इन दिस बोट और ये बोट अभी ले जाएगी हमें फ्लो डाइन की तरह। फ्यू पैसेंजर्स, मैंने फ्यू पैक सेकेंड से, सो वहाँ तक ही जाना, ज़्यादा दूर तो है नहीं। बिफोर बिगर सेल स्मॉलर सेल। दिस इज आवर कैप्टन। बोट में जाना था ना, ये स्मॉल बोट है, बिग बोट इज देयर। और राजी काफी डरी हुई है। अद्वे लुक हियर, वेयर इज आवर बोट एंड दैट एंड वी हैव रीच्ड। We'll get a light one by one. Let's see how that's going. क्लाइंबिंग अप। सो वी आर गेटिंग इन आफ्टर अ शॉर्ट बोट राइड। हम ऊपर आ गए। दिस इज ये आपका आई गेस ये आपका कैफे डिलाइट। वी आर इन द बोट। ह्यूज रेस्टोरेंट, मतलब लंबा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 टेबल्स। Obviously, it's air-conditioned restaurant. So I think this should be a great journey. This is the counter, food counter. So we are inside. हम वहाँ से अंदर आए and वहाँ से एक cabinet, मतलब एक separation के बाद इस तरफ restaurant रखा हुआ है। I think कुछ premium और मतलब if you see this, ये देखो ये sofa type का है। और वहाँ पे इट वॉज अ नॉर्मल चेयर। सो मे बी सम बाइफर्गेशन दे हैव डन। एज ऑफ नाउ मुझे लगता नहीं हमारे लिए कोई होगा बाइफर्गेशन। एंड ओनली 4 or 5 पीपल एज ऑफ नाउ। और भी कुछ लोग आ रहे हैं विच आई कैन सी फ्रॉम हियर। सी कुछ लोग और भी है। आई थिंक दिस इज द लास्ट सेट ऑफ पीपल। इसके बाद में वील सेल, दैट्स वॉट दे सेड कि 5-10 मिनट में सेल करेंगे। एंड यहाँ से एक स्टेयर केस नीचे जाता है, वो भी दिखाता हूँ। आई थिंक हाँ ये रूम्स के लिए होगा, वो भी दिखा देता हूँ आपको। And this is where our cruise ke captain will be sailing the boat from. So this is that sailing part. Driver yahan pe rahega. And main ek bar aapko niche bhi dikha deta hu. Let's go. So let's see what's downstairs. Kuch messages. Okay. I drink periodically. Is equal to MC square. So ye. ओके, लेफ्ट में आया। लाउंज टाइप का है आई गेस। यहाँ से भी एक अच्छा सा। ओके, क्रूजिंग टू सी यू अगेन। यहाँ से एग्जिट तो नहीं है। सो ओह, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड टाइटैनिक वाला पोज के लिए, दोस कपल हू वांट टू हैव अ टाइटैनिक लुक। सो दिस इज दैट पार्ट। द बिग होर्डिंग हियर, बिस्लरी एंड स्लाइडिंग है। टिपिकल केरला बोट, टिपिकल केरला बोट। एंड दीज आर द रूम्स। यस, ओ दैट्स गुड। इन्होंने अलग अलग नाम दिया है, रोमांटिक फ्लोरिस्ट, स्पार्क ऑफ। आई विल शो यू वन ऑफ द रूम्स, स्पिरिट ऑफ रूम, स्पार्क ऑफ रोमांस। अमेजिंग रूम्स। ओके, सो दिस इज हाउ द रूम वुड लुक लाइक। क्वीन साइज बेड with some backdrop,
स्मॉल वार्डरोब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, फैन में एसी एंड अ क्लीन स्पिक एंड स्पैक वॉशरूम. सो दैट्स इट. ये रूम है, ऐसे चार रूम है. यू गाइस कैन एंजॉय एज अ कपल ऑफ वुमेन्स. व्हाट आई अंडरस्टैंड इज चार रूम्स है, एसी रूम्स. सो ये रोमांटिक डिलाइट्स एंड सिंपली रोमांस. इट अपग्रेड कर्टन्स, गुड क्लीन, मस्ट है, हाइजीनिक तो जरूर है. दिस आई थिंक दिस द इंजन ऑफ अवर क्रूज. एंड दिस इज द जेट सेट. सो लेट्स चेक आउट द वॉशरूम्स पार्ट. यहाँ पे तो यू हैव अ वॉश बेसिन जस्ट आउटसाइड. लेट्स चेक द मेन्स वॉशरूम. ओके सो द यूरिनल पार्ट इट इज ऑल राइट. And this is a western style, nice clean, I must say. So guys, let's now check the menu of Flodyne Cafe Relish. And this is how the menu looks like. Isme almost whatever you get, quantity dishes, normal desi dishes, whatever you want, hot beverages se leke, you know, refreshing beverages, every kind of thing that you get in a normal restaurant is served here. So main abhi isme dekhunga aur isse mein se kuch select karke aapko dikhaunga ki main kya khana chahta hu. So dekhte hain mere ko kya pasand aata hai. Everything is there, matlab salad se leke quick bite sab mil jayega aapko. Bas aapko सी में एंजॉय करना है और सेल करना है. आई थिंक ये वीडियो मैं आगे आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं. बने रहिए. अब अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 जरूर देखिए. उसके बिना ये वीडियो कंप्लीट होगा ही नहीं.